moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। Assalamualaikum guys, this is Mr. Shahin Rukshal and welcome back to YouTube channel. तो आज हम जा रहे हैं लाहौर और हमारा सामान पैक हो गया है, ये देखिए आप। तो सामान पैक हो गया है, ये मैंने सारी चीज़ें रख दी है। मामा ने कहा इतने बार मुझे जा रहे, इतनी तैयारी व्यारी कर सब कुछ रखा हुआ है, मोबाइल चार्जर वगैरह सब कुछ। मैंने कहा ये करना पड़ता है, प्रोफेशनल टूर है, फर्स्ट टूर है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं ट्रेन से और ट्रेन जो है 4:30 बजे, तो हम अभी निकलेंगे, रेलवे स्टेशन पे भी शूट करेंगे और वीडियो पिक्चर वगैरह बनाएंगे। तो वीडियो को टाइम तक देखे और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, उधर हमारे और दोस्त हैं सारे, तकरीबन 7-8 बंदे, एक हमारा कोच है, तो उनके साथ हम मिल के एक साथ जाएंगे लाहौर के लिए निकलेंगे और दुआ करें कि बेस्ट जर्नी हो हमारी। बेसिकली हम लेट हो गए हमेशा की तरह। मजा आया। और मैं एटीएम के खड़ा हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ, कितने निकाल रहा हूँ। One eternity later। मैंने पैसे निकाल दिए, एटीएम के साथ लेट हो गया बहुत ज़्यादा, हमेशा की तरह लेट हो गया। और अभी मिलते हैं रास्ते में। तो हम लेट हो गए और कोच की कॉल आई है कि ट्रेन 10 मिनट डिले हो गई। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अभी 220 फाइनली हम पहुंच गए, शायद मेरी आवाज़ क्लियर ना हो यहाँ पे। और दिस इज़ द कराची रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है। अभी हम ढूंढ रहे हैं अपने टीम वालों को, हमारी टीम अभी किधर है। अबे वो घड़ी तो आगे मिल गई, उन्होंने कहा घड़ी तक पहुँचना है, सामने मुझे घड़ी नज़र आ रही है। तो अबे यार जल्दी उनके साथ मिल लूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं। तो ये हमारी टीम हमें मिल गई है। लाहौर आगे मिलेंगे आपको, चले अभी सामान रखते हैं, आगे मिलते हैं हम आपको। यार ये रश क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, इस बंदे को तो मैं जानता हूँ। अबे यहाँ पे तो बहुत गर्मी है भाई, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया भाई। फाइनली हम पहुंच गए, ये देखें बहुत ज्यादा इसमें तंग जगह है और रश भी बहुत ज्यादा है और हम बहुत तंग हो रहे हैं और मजा थोड़ा नहीं आ रहा। कैसे हो? और इसको जा रहे हो? ये ब्लॉगर यूट्यूबर है, मैं भी जानते हो, टेंशन नहीं लेना। गजब बेइज्जती है भाई, मुझे लगा था हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, जब मैंने इधर का रश देखा ना तो मैंने तो अपने कान पकड़ लिए भाई। भाई पिशावर में तो इस तरह नहीं होता, कराची में ये पिशावरी, आप इसको कुछ नहीं बोल सकते, पिशावरी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब यार इतना इससे पूछो, हम कराची और हर दफा जाते हैं, हां चुदी पड़ी गर्मी से बस। अबे इतनी गर्मी है यार, मैं ऐसी पैंट शर्ट पहन के आ गया। अबे साले कभी तो आपको बोला था शलवार कमीज में आओ। अबे सॉरी, मैं बैठ बैठ दोस्त है। ये देखिए बाहर इतनी रश है भाई, टांग टांग रखने की जगह बस कर देना पहले इनको देखा भाई, हमारी तस्वीरें हो रही है, हमने भी ले ली। और ये बंदा कह रहा है कि मैंने तस्वीर नहीं लेनी, मैंने कहा तेरी मर्जी, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। लेट पहुंचा ट्रेन जब आई, मैंने पहले बता दिया कि मैं फंस गया था। क्या फंस गया था? फंस गया था, मेरा कोई मसला था। असल में तुम्हें पता है मेरा करोड़ों का बिजनेस चल रहा है ना, करोड़ों का बिजनेस, जेब में 50 रुपए नहीं है, देखो पैंट शर्ट भी मेरी पहनी हुई है इसने, देखो ये गजब बेइज्जती है। तरह नहीं है हमारे, एक ब्लॉगर दिखाता हूँ आपको मैं। जी भाई कैसे हैं आप? इसका मोबाइल टूट गया बेटा। तुम लोग माँ चुराने जा रहे हो, बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बड़ी मुश्किलों से हमारी ट्रेन चल बसी है, ये देखें
सारे थके हारे कोई चार्जिंग वाला पोर्ट है नहीं इसको चार्जिंग वाला पोर्ट नहीं है भाई कराची एक्सप्रेस वाले कराची एक्सप्रेस वाले ये कंप्लेन है मेरी ये देख ले ये इस पे का वो लगा दे स्विच लगा दे अगली बार मैं नहीं जाऊंगा तुम लोग सुन लेंगे हाँ तो ये सारे हम बैठ गए आराम से और ट्रेन हल्की फुल्की चलने लगी ये पीछे की तरफ बैठा था उधर सीट है बेचारा डर के भाग के इधर आ गया ये डरा क्यों अंकल सिगरेट मुझे पिला पिला के मुझे मार देते थे देखा आपने लापरवाही का नतीजा मैंने कहा अंकल मेरे और तो ट्रेन हल्की फुल्की चल गई है और जुहेब की तबीयत खराब होने लगी अख्तर अंकल इस टाइम कौन सी अजाने होती है अबे गजब बेइज्जती है क्यों दी गया गिर जाऊंगा मैं अख्तर अंकल इसके टायर के व्हील अलाइनमेंट आ गए हैं इसके टायर टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं हाँ भाई इसने स्पीकर लाया तो हमने सबसे पूछा कि हम बजाए स्पीकर उन्होंने कहा हाँ इजाजत है जा भाई तुम ये रहा हाँ रात का टाइम हो गया अभी और हम सब लोग सो रहे हैं भाई हम लोग सो रहे हैं हाँ मतलब अभी ये आराम कर रहे हैं ना किसको दिखाता अबे ये ब्लॉग है अबे क्या कर समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना झूठ बोल रहा है रे हम पहुंच गए कराची कौन सी जगह खानेवाल कराची से खानेवाल पहुंच गए दो घंटे का रास्ता भी रहते हैं और अभी सुबह हो गई है तकरीबन सुबह के 8 बज गए अबे अख्तर अंकल बोल रहे थे कि अबे किधर से आ गया पूरी रात इसने हमें तंग करके रख दिया था अबे तो नींद नहीं आती तो क्या करे इतना मेरी मर्जी मैं तंग करूँ ना करूँ मेरी मर्जी मैं तंग करूँ क्या ना करूँ तुम किधर से आए हो अबे ब्लॉग शूट कर ले अभी जो है तकरीबन लाहौर को घंटा डेढ़ घंटे का रास्ता रहता है हार्डली तकरीबन पहुंच गए और जो है बहुत मज़ा आया रास्ते में और सफ़र का पता ही नहीं लगा कैसे गुजरा सारा मैं तो सो के सारी रात गुजारी ये खड़े हो गए तमाशे कर रहे थे पुलिस का अपना बता रहा था लड़कियों का ये क्या अबे नहीं खैर ये मैं कट कर दूंगा बाद में और मौसम बहुत ठंडा है लाहौर का गाढ़ा तो हो गया और हालत ख़राब हो गई ठंडी से रात को बहुत सर्दी लगी थी और ये आखिरी पार्ट होगा इस ब्लॉग का अगला ब्लॉग लाहौर जाके अपलोड करूंगा टू बी कंटिन्यूड सेकंड पार्ट मिलेगा आपको बाय बाय टाटा गुड बाय गया